जिस नेता ने टमाटर बेचने वाले को दी सुरक्षा, अखिलेश यादव ने उसे दिया बड़ा तोहफा और पार्टी में इस पद पर काबिज कर दिया। नई नियुक्ति, नई जिम्मेदारी देने के साथ ही अखिलेश यादव ने दिया सख्त निर्देश, जो भरोसा किया है उसको साबित भी करना होगा। देखिए कौन है वो नेता जिसको अखिलेश यादव ने सौंपी इतनी बड़ी कुर्सी। अखिलेश के फैसले पर देखिए क्या बोले वरिष्ठ सपाई और पार्टी नेता। अखिलेश यादव इन दिनों लीग से हटकर काम कर रहे हैं और लीग से हटकर चलने की वजह से ही वो अब युवाओं के लिए रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है और पार्टी में एक बड़ा पद सौंपते हुए नेता के हाथ में कमान सौंपी है। युवाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव की तरफ से एक से बढ़कर एक फैसले लिए जा रहे हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने अब उस नेता को नया तोहफा दिया है जिसने टमाटर बेचने वाले को सुरक्षा मुहैया करवाई थी। अखिलेश यादव ने इस नेता को जिम्मेदारी देते हुए कहा है कि जो भरोसा मैंने आपके ऊपर है अब उस भरोसे को कायम करना होगा। सपा चीफ ने अजय फौजी को समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश महासचिव बनाया है। अजय फौजी को समाजवादी पार्टी युवजन सभा की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया और उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। अजय फौजी वही नेता है जिन्होंने टमाटर बेचने वाले के पास सुरक्षा के तौर पर बाउंसर तैनात किए थे और ये काम उन्होंने तब किया था जब टमाटरों की कीमत आसमान छू रही थी। दरअसल बीते महीने लंका थाना क्षेत्र के नगवा इलाके में समाजवादी पार्टी के नेता अजय फौजी के द्वारा टमाटर की एक दुकान पर बाउंसर तैनात किए गए थे। अजय के द्वारा टमाटर की दुकान पर बाउंसर तैनात कर टमाटर की बढ़ती महंगाई का विरोध किया गया था। इतना ही नहीं, बाउंसर लगाकर टमाटर बेचने का वीडियो वायरल हुआ था तो इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि टमाटर को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देखते ही देखते ये वीडियो सैकड़ों लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया और बाउंसर रखकर सब्जी बेचने के मामले में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने गंभीरता से मामला को लिया। पुलिस के द्वारा उसी दिन सब्जी विक्रेता और उसके बेटे को हिरासत में लिया गया था। सब्जी विक्रेता और उसके बेटे को हिरासत में ले जाने के अलावा पुलिस के द्वारा सपा नेता की धर पकड़ के लिए पुलिस टीम लगाई गई थी, लेकिन वो फरार हो गया था। उसके बाद उसी दिन रात में सब्जी विक्रेता और उसके बेटे को छुड़ाने के लिए सपाई लंका थाने पहुंच गए थे और जमकर बवाल काटा था। बाद में पुलिस ने अजय फौजी को भी गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके अजय फौजी को हवालात में डाल दिया गया था। बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में अजय फौजी जमानत पर जेल से छूटे हैं। इसके बाद सपा प्रमुख के द्वारा अजय फौजी को समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश महासचिव बनाया गया है। अजय फौजी ने भी नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही दावा किया है कि पार्टी को ताकत देना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी और अब पार्टी को 2024 के लिए कैसे तैयार करना है इस मुहिम में जुटने वाला हूं। साथ ही कहा था कि पार्टी की तरफ से जो भरोसा जताया गया है उसको मैं हर हाल में पूरा करूंगा और टूटने नहीं दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।